कथाकारों की कथाओं में, कहानी कहानियों में, लेखकों के लेखन में, कवियों की कविताओं में, हर जगह वही परिलक्षित होता है जो हमारे समाज में घट रहा होता है। यानी सामाजिक घटनाओं के आसपास ही होता है हमारा साहित्य। वर्तमान में क्या है हिंदी साहित्य की स्थिति, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो प्रख्यात साहित्यकारों को। आप हैं छाया अग्रवाल, बात लेखक हैं, कहानीकार हैं, उपन्यास, और आपके बगल में है सीमा सक्सेना। आप भी कहानीकार हैं, कविताएं करती हैं और उपन्यास हैं। तो सबसे पहले हम छाया जी आपसे जानना चाहेंगे, जो हिंदी साहित्य है हमारा, इसका शैशव काल या जो हम ये कहें कि उद्गम काल आप इसके मानते हैं, वो कम से कम समय था जिसके हम ये कह सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य का उद्गम समय था, उद्गम काल था। वैसे तो जब से सभ्यता आई है साहित्य का जो है विकास तब से प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का विकास जो है वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था। उस काल की बात अगर हम करें तो जितने महान ग्रंथ हुए हैं हमारे, वेद हुए हैं, रामायण हुई है, रामायण तो बाद में आई है, जितने ग्रंथ रचे गए हैं सब वैदिक काल में रचे गए हैं। वो समय एक जो शुरुआती दौर था हिंदी साहित्य का। उसके बाद अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल का जो समय था वो अगर हम उसको कष्टकारी समय कहेंगे तो शायद गलत होगा, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े कवि, बहुत बड़े बड़े रचयिता पैदा हुए हैं, जैसे कि कबीर हो गए, सूर हो गए, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गए, कालचयी का थे। लेकिन उस काल के दौरान एक रचनाकारों की जो एक कमी थी वो काफी देखी गई थी वहां पर। उसके बाद आता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को भी हम दो हिस्सों में अगर बांटते हैं, अगर समीक्षकों की माने तो उसको हम दो हिस्सों देखते हैं। तो उसका जो प्रथम काल है वो करीब 1800 से शुरू होता है। उस काल को उसके जो प्रजननकर्ता के रूप में जो जाने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं जिन्होंने कालजयी रचनाओं को लिखा। और मेरा ये मानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी केवल 30 साल की उम्र ही यहाँ छोड़कर चले गए थे। अगर वो समय अगर जीवित रहते तो आज साहित्य की जो हम कल्पना कर सकते वो शायद होता। तो बहुत अच्छा काल रहा है। और जस्ट में अगर हम बात करते हैं तो स्थिति जो है, जो समीक्षा मांगते हैं कि आज जो वर्तमान स्थिति है उनकी नजर साहित्य की दृष्टि से, हिंदी साहित्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। के बारे में एक बात कहना चाहती कि आज काफी हद तक कम होता है, लेकिन साहित्य पढ़ा जा रहा है, हमें पढ़ा जा रहा है, लेकिन पढ़ा जा रहा है। आप देखिए कितने सारी वेबसाइट्स बन चुकी हैं, जहां वेबसाइट से बहुत साहित्य को जो डॉक्टर हो गया, साहित्य सुधा हो, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे जिनके पास लाखों करोड़ों की संख्या है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि साहित्य के प्रति रुचि या ध्यान में कम हो रहा है, तो स्वरूप बदला है। बहुत सारे पेपर्स हैं, आप देखिए अपनी जाएंगे तो पाठ तक सकते हैं। तो ये साहित्य की तो मैं कहूंगी साहित्य का उत्थान है, ये समुचित पास है साहित्य का जिसकी पर हम आगे बढ़ रहे। तो ये बहुत काल है साहित्य के लिए। और एक बहुत
बिल्कुल, एक जब भी किसी भी रचना साहित्यिक तर्क रचना प्रकाशित करने के लिए सबसे पहले तो लिखना था, उसके बाद प्रकाश के पास जाना होता था, यदि प्रकाशक की इच्छा होती थी तब प्रकाशन हो पाता था वरना नहीं हो पाता। आज जहाँ तक प्रकाशन की बहुत से माध्यम है, तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कहें कि जो तर्क किया है उसने कहीं ना कहीं साहित्य को पुट किया है, साहित्य को आगे ला करके खड़ा किया है। साहित्य जो है बिल्कुल हर व्यक्ति के हाथ में, या ये कहें कि हर व्यक्ति के दरवाजे तक आसानी से पा रहा है। सीमा जी, वर्तमान जो तय है ये साहित्य का क्या स्थिति है हमारे साहित्य की? लगता है कि वर्तमान साहित्य की स्थिति है, आज सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें युवा लिख रहे हैं, आज के युवा लिख रहे हैं, उनके मन की बातों को लिख रहे हैं, क्योंकि वो उनके मन उनको लगता है कि अगर हम लिखेंगे तो ये चीजें समाज में सही नहीं जाता, संदेश जाता नहीं, तो वो लिखते हैं, तो उनकी वजह से दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं, जो दूसरे युवा होते हैं वो भी प्रेरित होते हैं और वो भी लिख रहे हैं। आप बताइएगा, देखिए, हाँ जी, सीमा जी ने जैसा कहा सोशल मीडिया को मुख्य माना है जी, आपके विचारों में क्या लगता है कि सृजन था पहले कुछ ही लोग पढ़ा जी? बिल्कुल कह सकते हैं पढ़ा है, देखिए इसमें दो हैं, एक ये है कि अनेक जो समय स्थिति चल रही है तो असंख्य लेखक इस समय आ रहे हैं और निरर्थक लिख रहे हैं, औसतन लिख रहे हैं बहुत सारे। उसमें क्या चीज है कि उस समय प्रकाशकों की इस समय चांदी हो गई है, बहुत सारे प्रकाशक हैं जो एक चिंतनीय विषय है ये कि बहुत सारे प्रकाशक हैं जो लेखक को जो है पैसे लेकर छाप रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, बस तर्क में लिखा जा रहा है, ये हमारे लिए एक संतोष की बात है कि अच्छा लेखन भी आज हो रहा है। और एक चीज और है कि भले ही प्रकाशक जो हैं पैसा लेके छापने एक अलग बात है, क्योंकि हर काल में और हर स्थिति में अच्छाई बुराई साथ साथ चलती हैं, लेकिन इसके साथ भी अगर हम सकारात्मक पहलुओं को लेकर चलेंगे तो जैसे अभी सीमा जी ने बात की थी कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये एक अच्छा माध्यम है अपनी रचना को, अपनी रचना शक्ति को विकसित करने का, आगे बढ़ने का, अपनी पहचान बनाने का, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। बस इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि इन साइट्स का, जो सोशल साइट्स है, उसका दुरुपयोग ना हो, अच्छा साहित्य उपलब्ध हो, स्वस्थ साहित्य उपलब्ध हो, क्योंकि देखिए जैसे कहा जाता है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज तो है ही, लेकिन कहीं कहीं मैं ये मानती हूँ कि जैसा साहित्य आप परोसेंगे वैसा समाज का निर्माण होगा, तो इसलिए साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि वो अच्छा साहित्य, स्वस्थ साहित्य पाठकों को उपलब्ध कराएं। इसका दूसरा पहलू यह भी है जो समाज में घटित हो रहा है जी, वही जो है वो साहित्य में परिलक्षित होता है, जहाँ एक और साहित्य समाज को राह दिखाता है तो वही सामाजिक घटनाओं को साहित्यकार जो है शब्दों में पिरो के और आगे समाज के लिए पेश करते हैं। अगर हम वो दौर याद करें जो मुंशी प्रेमचंद का दौर हुआ करता था, उनकी कहानियां आज भी बड़ी सार्थक लगती है, चाहे वो दो बैलों की कथा हो, चाहे वो पूस की रात हो, तो वो साहित्यकार जो उस समय के रचनाकार थे, उस समय की जो रचनाएं थी जिन्हें कालजयी रचनाएं कहा जाता है, उस तरह का साहित्य कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं सुनने पढ़ने में नहीं आता हिंदी में, क्या ये बात वाकई में आप सही मानते? देखिए ये तो है कि पुराने जो हमारे रचयिता हुए हैं उनकी रचनाएं कालजयी हुई हैं, लेकिन मैं इसको 100% सही नहीं मानती हूँ। देखिए तब के जमाने में बहुत सीमित रचयिताकार हुआ करते थे, और आजकल भी ऐसा नहीं है कि कालजयी रचनाएं नहीं हुई हैं, अभी लेखक को लीजिए, बहुत सारी महिला लेखक हैं जैसे कि मृदुला और अमृता प्रीतम हो गई, उनकी दो खिड़कियां ले लीजिए, मृदुला गर्ग की उसके हिस्से की धूप है, अभी निलय उपाध्याय का जो उपन्यास है कालजयी उपन्यास बन चुका है दशरथ मांझी,
एक उसमें किसानों की बहुत बड़ी आत्महत्या को लेकर दिखाया गया है उसमें, और जो एक देश की बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में उभर कर आया है, तो एक कालजयी उपन्यास सामाजिक है। सामाजिक घटनाओं का ही चित्रांकन होता है, बिल्कुल ये तो बात सत्य है। जहां तक कालजयी रचनाओं की हम बात कर रहे हैं, तो अब जो हिंदी साहित्य है इसका दायरा कुछ सिमटता हुआ सा नहीं प्रतीत होता है आपको? सीमित नहीं होता जा रहा है साहित्य का क्षेत्र? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। साहित्य, अब साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ है, जैसे कि अब साहित्य के क्षेत्र में पहले साहित्य का क्षेत्र जो था कहानी और कविताओं में सीमित हुआ था, लेकिन अब उसका विकास हुआ है। अब देखिए, आप पत्रकारिता में कितना बड़ा विकास हुआ है साहित्य का, तो साहित्य का क्षेत्र बढ़ रहा है, नाटक बढ़ रहे हैं, कहानियां कविताएं तो थे ही हमेशा से, लेकिन अब देखिए लेख कितने बढ़ रहे हैं, तो साहित्य का विस्तार हो रहा है, हर क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। अब देखिए, बड़े गर्व की बात है कि मॉरिशस जैसे देश में आज विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ है अभी पिछले बिल्कुल दिनों, तो ये बहुत गर्व की बात है हिंदी साहित्य के लिए। देख लीजिए, जयपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, और हम बात करें दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले की, तो अच्छा लगता है ये सब चीजें देख के। हिंदी के विस्तार के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, उन 10 दिनों में करीब 50 लाख जो है लोग वहां पे पहुंचे, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि हिंदी का समुचित विकास है, सार्वभौमिक विकास हो रहा है हिंदी जी। का। सीमा जी, आप रचनाएं लिखती हैं, उपन्यासकार हैं, कविताएं भी करती हैं, किसे अपना आदर्श मानते हैं? मुझे वैसे तो मेरे पापा ही मेरे आदर्श हैं, उनकी प्रेरणा से मैंने लिखना सीखा। वो बहुत अच्छे हैं, वो लिखते भी थे और वो प्रिंसिपल थे कॉलेज में, तो उनकी वजह से मुझे बहुत लिखने की प्रेरणा मिली बचपन से ही। उसके अलावा मुझे लगता है कि गुनाहों का देवता जिन्होंने लिखा था, धर्मवीर भारती,